माई फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। आज का ये छोटा सा वीडियो मैं लेकर आई हूँ एक मिनिएचर गार्डन का। सो मेरे पास ये टेराकोटा प्लेट था, तो चलिए देखते हैं इसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। एक छोटा सा क्यूट सा गार्डन, मिनिएचर गार्डन बनाते हैं और इसको आप टेबल टॉप में रख सकते हैं, कैसे भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये देखिए, पहले सारे सामान को इकट्ठा कर लीजिए, जो भी आपको चाहिए, बुद्धा जी, पेबल्स। और ये देखिए, मैंने न्यूज़पेपर रोल से बनाया है, इसको आप एज अ कैंडल होल्डर यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, बॉटल का एक ढक्कन, उसको मैंने ऐसे पेंट करके, बहुत सारे ऐसे डेकोर DIY आइटम्स में बनाती रहती हूँ, कभी कभी कहीं ना कहीं काम आ जाता है। और ये देखिए, फेरी लाइट तो आपको चाहिए ही चाहिए, मिनिएचर गार्डन में आप ऐड करेंगे तो रात को बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। और बुद्धा जी मुझे पसंद है। और ये देखिए, मेरे टेरेस गार्डन की एक छोटी सी झलक। अभी इसमें बहुत सारा काम करना है, गार्डनिंग का काम दोस्तों कभी ख़त्म नहीं होता, आप शुरू करेंगे तो वो चलता ही रहेगा। और ये देखिए, चलिए मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरा, इसमें मैंने टेराकोटा प्लेट में एक दिया के ऊपर ये बुद्धा जी को बिठा दिया। और ये बुद्धा जी देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है। और ये देखिए, कुल्हड़ में मैंने सब मनी प्लांट्स ही लिया है, इजी टू ग्रो प्लांट है, ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करना पड़ता मनी प्लांट के साथ, वो आपसे ज़्यादा काम नहीं करवाता, बस पानी का ध्यान रखें। और ये देखिए, स्टोन पेंटिंग मैंने किया है, तो वो स्टोन्स मैंने रख दिया बुद्धा जी के आगे। और ये देखिए, मैंने लाइट्स भी ऐड कर दिया। और ये कुल्हड़ में मैंने पर्पल हार्ट प्लांट भी ले लिया है, अगर थोड़ा सा आपको जगह खाली दिखे तो आप कुछ और प्लांट्स ऐड कर सकते हैं या कुछ और डेकोर आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ट्रे गार्डनिंग या मिनिएचर गार्डन आप आपके क्रिएटिविटी के हिसाब से, आप कैसे भी जैसे जैसे आइडियाज़ आते हैं आप बनाते जाइए। और ये देखिए, पेबल्स मैंने इसको ऐसा एक रिवर जैसा बना दिया है, बीच में वो ब्रिज, ऐसे छोटे छोटे टॉयज़ आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। और ये देखिए, फेरी लाइट्स को मैंने ऐसे आगे से, ऐसे बुद्धा जी के आगे से मैंने ऐसे लाके ट्रे में मैंने बिठा दिया अच्छे से। और ये देखिए, बेल। और इसमें अभी बहुत सारे आइडियाज़ हैं दोस्तों, मैं एक ही वीडियो में सारे आइडियाज़ में शेयर नहीं कर सकती हूँ, तो छोटा छोटा मैं वीडियोस बनाती हूँ, क्योंकि लॉन्ग वीडियो में एडिटिंग के लिए भी काफ़ी टाइम जाता है। सो जैसे जैसे आइडियाज़ आते हैं मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और इंटरनेट से तो आप देख ही सकते हैं, दूसरे गार्डनर दोस्तों से सीख सकते हैं, पिंटरेस्ट में बहुत सारे आइडियाज़ हैं। जैसे जैसे आप गार्डनिंग करने बैठते हैं, आपके दिमाग में जैसे जैसे आइडियाज़ आते हैं आप बनाते जा सकते हैं। और ऐसे जो कुल्हड़ में मैंने मनी प्लांट रखा है, उसमें भी ऐसे पेबल्स डाल दीजिए, और कलरफुल पेबल्स डालिए तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। आप ये देखिए, कैंडल भी जला सकते हैं, लेकिन कैंडल को प्लांट से दूर रखिएगा, थोड़ा सा उसके लिए अलग जगह बनाइए, फिर आप कैंडल भी जला सकते हैं। इसमें आप छोटा सा हाउस बना के कुछ विलेज सीन क्रिएट कर सकते हैं, या जंगल बना सकते हैं। मिनिएचर गार्डन में तो आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों, आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कई बार बनाने बैठते हैं तो आइडियाज़ आते जाते हैं दिमाग में। ये देखिए, टेराकोटा लैम्प का मैंने अभी इसमें इस्तेमाल नहीं किया, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, एक दो प्लांट्स कम कर दीजिए और टेराकोटा लैम्प रख दीजिए। और ये देखिए, नाइट व्यू वो फेरी लाइट्स के साथ कितना खूबसूरत लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा ये? बहुत ही सिंपल सा आइडिया, 5 मिनट में बन जाता है ये, और आप इसको ऐसे ट्रे को किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, दिवाली में आपके नेबर्स को या किसी को आप ऐसे गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा। आप लोगों को ये कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये देखिए दोस्तों, ये मेरा थर्मोकोल, कुछ TV या वॉशिंग मशीन का कभी तो कुछ लिया था, याद नहीं है, तो वो मेरे पास ऐसे थर्मोकोल का कंटेनर पड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने नीचे प्लास्टिक शीट बिछा के गार्डन सॉइल डाल दिया, और ये शिवलिंग को देखिए यहाँ पे रख दिया। और ये देखिए, इसमें मनी प्लांट मैंने रखा है, और ये मनी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और ये दूसरा एक और थर्मोकोल, और ये देखिए, इसमें मैंने प्लांटर में, इसको लेपर्ड लिली बोलते हैं ये प्लांट को, और ये देखिए कोकोनट शेल में मैंने रखा, और ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, और इसको आप प्रोपगेट कर सकते हैं। ये सब कोकोनट शेल है, मैं कोकोनट शेल में भी प्लांट्स लगा देती हूँ, कभी कभी बहुत अच्छे से वो ग्रो कर जाते। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।